अपनी मांगे मनवाने का सांसदों ने निकाला नया तरीका। अपनी मांगों को लेकर छत पर चढ़ गए हैं पंजाब कांग्रेस के सांसद। नमस्कार दर्शकों, आपके अपनी चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इराक के मॉसुल में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों जान गंवाने वाले 39 भारतीय नागरिकों में से पंजाब के लोगों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की मांग को लेकर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया और अपनी मांगों को लेकर पंजाब के 3 कांग्रेस सांसद संसद की छत पर चढ़ गए। उनके हाथों में नारे लिखे हुए पर्चे थे जिसमें मांगी की गई थी कि पंजाब सरकार की तरह ही केंद्र सरकार भी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। दरअसल पंजाब सरकार ने राज्य के पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। पंजाब सरकार की ओर से ये घोषणा प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को इराक से 39 में से 38 शवों के अवशेषों को भारत लाए जाने के बाद की। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 38 भारतीय नागरिकों के शवों के अवशेष के साथ विशेष विमान से अमृतसर पहुंचे थे। इस मौके पर सिद्धू एयरपोर्ट पर अवशेषों को लेने के लिए मौजूद थे। बाद में सिद्धू ने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही। साथ ही उनके लिए मौजूदा पेंशन 20,000 रुपए जारी रखने की भी बात कही। इराक के मॉसुल में 2014 में अगवा हुए भारतीय नागरिकों की IS आतंकियों ने हत्या कर दी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने इराक में अगवा सभी 39 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि 20 मार्च को दी थी, जिनमें से 27 पंजाब के नागरिक थे। 39 में से 38 नागरिकों की पुष्टि हो चुकी है और एक भारतीय नागरिक की मौत से जुड़ा मामला फिलहाल लंबित होने के कारण उसके शव के अवशेष भारत नहीं लाए जा सके हैं। प्रदर्शन का अजीबोगरीब तरीका तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन सांसद तो सांसद हैं। तो चलिए इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।